हेलो एवरीवन, दिस इज सुमान फ्रॉम नेक्स्ट टेक फाइनर। तो दोस्तों, आपने सैमसंग गैलेक्सी A32 न्यू बाय किया है। यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर बता दूँ जो इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जाते हैं जी सबसे पहले सेटिंग के अंदर। सेटिंग में मेन फीचर हमारा आता है डिस्प्ले ऑलवेज का। हर कोई पूछता है यार डिस्प्ले ऑलवेज का ऑप्शन है या नहीं, तो हम यहाँ पर आते हैं लॉक स्क्रीन में। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। जी हाँ, हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस पर तो यहाँ पर आप टैप टू शो फॉर 10 सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पर शो ऑलवेज, मैं शो ऑलवेज पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर शो ऑलवेज हमेशा के लिए हमें शो होता रहेगा। यहाँ पर क्लॉक स्टाइल मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के क्लॉक देखने को मिल रहे हैं जो आपने लगाने हैं। यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसके अंदर सैमसंग में सिर्फ आपको क्लॉक का ही ऑप्शन मिलता है और कुछ नहीं है। वहाँ आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। नेक्स्ट फीचर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर आपको देखने को मिलेगा एडवांस फीचर्स के अंदर। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखें साइड की का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्विक कैमरा मिलेगा, ओपन ऐप मिलेगा। आप ये पावर बटन है डबल प्रेस करेंगे, जब लॉक स्क्रीन होगा तो ऑटोमेटिक ही आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पर अपनी कोई एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। जब आपका फ़ोन ऐसे लॉक हो तो आप इसके अंदर व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप चल जाएगा। मैंने कैमरा लगाया हुआ है, डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें कैमरा जल्दी से ऑन हो गया है। जी हाँ, आपको ये इसमें एक फीचर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फीचर हम आएंगे जी यहाँ पर बैक। बैक आने के बाद आपको इसके अंदर मोशन एंड गेस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपने मोशन एंड गेस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिफ्ट टू वेक यानी कि ये वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे। जब आपका फ़ोन ऐसे पड़ा होगा, ऑफ होगा, जब आप इसको उठाएंगे तो इसका डिस्प्ले है ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। ये भी आपको इसमें मिल रहा है। और डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है। डबल टैप, जब डबल क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको डबल टैप टू टर्न ऑफ, डबल क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगी। यहाँ अगर आप कहते हैं कि जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन की तरफ देख रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ऑन कर दें तो फ़ोन की स्क्रीन जब तक ऑफ नहीं होगी जब तक आप फोन को देख रहे होंगे। म्यूट गेस्टर है यहाँ पर और पाम वाइप्स कैप्चर है। यहाँ पर हम आते हैं बैक। बैक आपको नेक्स्ट फीचर मिल रहा है यहाँ पर स्क्रीन शॉट का। स्क्रीन शॉट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन शॉट टूल बार देखने को मिल रहा है। हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार है। यहाँ पर आप डिलीट डाटा भी कर सकते हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन इसमें बीट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, आपको यहाँ पर गेम लॉन्चर मिल रहा है। आपको यहाँ पर इसके अंदर ड्यूल मैसेंजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप इसके अंदर ड्यूल मैसेंजर, फेसबुक और अलहदा से इनके कॉन्टैक्ट्स भी अलहदा कर सकते हैं। ये वाले आपको स्क्रीनशॉट मिल रहे हैं। कुछ बातें रह गई हैं जो अक्सर व्यूवर में से सवाल करते हैं इस फ़ोन के बारे में। इसके अंदर दोस्तों एप्लीकेशन लॉक नहीं दिया गया, हमें इसके अंदर एप्लीकेशन लॉक नहीं मिला। नेक्स्ट, यहाँ पर अक्सर पूछते हैं इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर आपको इस फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं देखने को मिल रही। बस इस फ़ोन में इतने खास फीचर नहीं दिए गए, बस डिस्प्ले दे दिया है, मेमोरी रैम कैमरा दे दिया है। कैमरे की वीडियो अगर नहीं देखी वो भी आप हमारी देख लीजिएगा, नेक्स्ट हमारी कैमरे की वीडियो होने वाली है। तो व्यूवर, ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे इसी तरह अगली आने वाली लेटेस्ट एंड फ्रेश वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।